देखिए जी, दुर्घटना हुए हुए पूरे आज 21वां दिन है। फिलहाल वहाँ लेश मात्र भी कुछ सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बंजार के जो विधायक महोदय हैं, उनका बयान आया था कि वहाँ पर क्रैश बैरियर लगा हुआ है, तो आप लोग शायद मौके पर गए होंगे। वो कोई 30 या 40 मीटर की एक जगह ऐसी है जहाँ क्रैश बैरियर जिस पर लगता है, उस पर वो डंडे तो वहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन वो क्रैश बैरियर वहाँ पर नहीं लगा हुआ है, मतलब क्रैश बैरियर वहाँ पर नहीं था। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा आज आप लोगों के माध्यम से बड़ा विनम्र निवेदन है सरकार से कि जो हादसे की जांच रिपोर्ट है उसको कृपया सार्वजनिक करें, ताकि हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवारों को ये पता चले कि हादसे की मेन वजह क्या रही है। अगर जांच रिपोर्ट को किसी भी हादसे में, आप नूरपुर बस हादसा ले लीजिए, गुम्मा ले लीजिए शिमला का, तो यहाँ सिलाड़ी यहाँ का ले लीजिए आप मामला, किसी भी बस हादसे की रिपोर्ट को जो है, जांच रिपोर्ट को जो सार्वजनिक नहीं करती हैं सरकारें, तो कृपया उसको सार्वजनिक करें, ताकि लोगों को पता तो चले कि हादसे की वजह क्या। अगर सार्वजनिक नहीं करती हैं तो क्या समझा जाए कि सरकारें दोषियों के साथ खड़ी हैं? जो बंजार में बस हादसा हुआ था उसको आज पूरे 21 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से अभी तक कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है। और हम आज यहाँ पे हैं, हमने धर्मशाला से संजय जी को बुलाया था क्योंकि हमें नहीं लगा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, तो मजबूरी के कारण हमें संजय जी से बात करनी पड़ी। सोशल मीडिया के थ्रू वो हमारे कहने पे यहाँ आए, तो उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ने की बात कही, तो हमने कहा ठीक है, हम सारे के सारे युवा आज यहाँ पे आए, तो हम चाहते हैं कि सरकार जो बस हादसा हुआ है बंजार में उसकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, ताकि हमें भी पता लगे कि उस बस में जो रीज़न रहे हो क्या थे और उसके जो दोषी थे वो कौन थे। अभी तक हमें नहीं लगा पता कि दोषी कौन थे। जो बस का ऑपरेटर था उसके खिलाफ FIR करने की बात कही गई, मंत्री जी ने पहले ही 2 दिन में उनको क्लीन चिट दे दिया था, और जो विधायक जी है, राजनीतिक बड़े बड़े जो लोग हैं, वो परिजनों में मतलब एक ऐसा वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जैसे कैसे इस हादसे के जो पीड़ित लोग हैं उस मामले को रफा दफा किया जाए। हम नहीं चाहते कि इन फ्यूचर किसी भी तरह का ऐसा हादसा हो, किसी और को रोना पड़े, तो इस हादसे की तरह मतलब आने वाले हादसों को रोका जाए, इससे सीख ली जाए कि आगे ऐसे हादसे ना हो। जो ब्लैक स्पॉट्स है वो उन पे मार्केशन होनी चाहिए, कि मार्क लगना चाहिए।